अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्स फ्रेंड्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा लॉन्च से पहले ही एक बड़ा ऑर्डर हासिल कर लिया है। पाक फिजाइया के अलावा कौन सा मुल्क इस लेटेस्ट ब्लॉक को खरीदने जा रहा है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता रोज़ थंडर ब्लॉक 3 की अर्जेंटीना की अपनी एयरफोर्स की एक्विजिशन के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिली। इत्तला के मुताबिक अर्जेंटीना की हुकूमत ने 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अकायर करने के लिए अपने अगले माली साल के बजट में $664 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं। इस बजट की अब अर्जेंटीना की कांग्रेस से मंजूरी जल्द मुतवक्के है। हुकूमत की जानिब से इस रकम को मुख्तस किए जाने और बजट ड्राफ्ट में बाकायदा थंडर ब्लॉक 3 का जिक्र किया जाना इस बात की तस्दीक है कि अर्जेंटीना ने अपनी एयरफोर्स के लिए इंडियन, अमेरिकन और रशियन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया है। $664 मिलियन बजट से 12 थंडर ब्लॉक 3 खरीदे जाएंगे और ये $50 मिलियन पर एयरक्राफ्ट बनता है, जो इससे पहले ब्लॉक 3 के हवाले से स्पेकुलेट किया गया था। याद रहे कि अर्जेंटीना की हुकूमत की तरफ से इन $644 मिलियन में से $20 मिलियन रनवेज की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अलावा मुतलका इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवेलपमेंट के लिए रखे गए हैं। याद रहे कि चीन का वफद इस एक्विजिशन के हवाले से आज से कुछ अरसा पहले ही अर्जेंटीना गया था और इसमें वफद ने अर्जेंटीना की एयरफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और मुतलका इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ऑफर की थी। थंडर ब्लॉक 3 को हकूमत की तरफ से प्रपोज बजट में मेंशन किए जाने से ये बात वाजह है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स इस तैयारे को मुंतखब कर चुकी है और इसे आने वाले अरसे में जल्द अज जल्द इंडक्ट करने की ख्वाहिशमंद है। याद रहे कि इस डील के फाइनल होने की सूरत में इसको पाकिस्तान और चीन इकट्ठे एग्जीक्यूट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे कुछ अरसा पहले शेयर किया था कि थंडर इंशाल्लाह बहुत सी लो बजट एयरफोर्सेज और मुस्लिम ममालिक की एयरफोर्सेज के लिए एक आइडियल और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म साबित होगा। खास तौर पर ब्लॉक 3 बहुत से लॉन्ग रेंज और जदीद वेपन्स और सिस्टम्स के साथ एक लो कॉस्ट 4.5 जनरेशन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जिसको तमाम तरह के सी, ग्राउंड और एयर टू एयर मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले अरसे में इसके मजीद कस्टमर्स भी सामने आएंगे, जिसमें मुमकिन तौर पर अजरबैजान और मलेशिया काबिले जिक्र हैं। आपकी इस डेवलपमेंट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।